अब भाई आपने सूखे पत्ते और कचरा जलाने की जरूरत नहीं, उनका भी खाद बनेगा। और अगर आपके पास ना जमीन कम है तो आप छत के ऊपर भी सब्जी उगा सकते हो। तो चलो हम आपको ना ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने इस पहल को बहुत आगे तक बढ़ा दिया भाई। ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल से भाई हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। और सर आपका नाम बता दो। मेरा नाम राम विलास। बताया गया कि मतलब छत पर भी सब्जियां उगा देते हो, तो ये किस तरह संभव है जी? छत पे सब्जियां उगाने के लिए कोई बहुत ज्यादा लाखों रुपए का खर्चा नहीं करना है जी। कोई आपकी आटे की चावल की थैली हो, कोई बाल्टी हो, खाली हो, प्लास्टिक की हो, किसी तरह की कोई भी चीज हो, उसमें आप उगा करके और अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं जी। तो जगह की कमी का एहसास नहीं होगा। जो ड्रम आते हैं 200 लीटर के, उसको हाफ काट करके कोई भी फल आप लगा सकते हो। छोटे से में फल जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे अमरूद के हैं और इसमें देखिए अभी से फल आना शुरू हो रहा है। तो अब इंतजार करने की जरूरत नहीं कि जमीन होगा तभी लगाएंगे तो फल खा पाएंगे। अपनी नर्सरी वगैरह भी है? हाँ जी, नर्सरी है, हम हर तरह के पौधे प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे जो एग्जीबिशन के अंदर आए हुए हो, तो यहाँ पे आपकी नर्सरी के तैयार किए हुए कौन कौन से फ्रूट के पौधे आएंगे? फ्रूट के सारे पौधे मिल जाएंगे जी। अमरूद ले लो, लीची ले लो, एप्पल बेर ले लो, नींबू ले लो। ये हर एक एप्पल बेर का है, ये छोटा सा पौधा है और इसके अंदर फल लगा हुआ है। जबकि ये तो सभी जानते हैं बड़ा दरख्त होने के बाद फल आता है। अब ये देखिए बाल्टी के अंदर टमाटर लगे हुए हैं और जो पेंट की खाली बाल्टी होती है उसमें टमाटर लगे हुए हैं, इतना टमाटर लगा हुआ है। ये अमरूद देख रहे हैं आपके छोटे से में है। ये चकोतरा आप देखिए छोटे से पौधे के अंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी तरह से ये मेडिसिनल प्लांट में है जो हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, दवाइयों से बचाने के लिए देखिए तरह तरह के। ये सैलरी हो गया, ये ऑल स्पाइस प्लांट हो गया, ये कपूर तुलसी शरीर को बिल्कुल डिटॉक्स करती है, ये लौंग तुलसी हो गई, ये थाइम जो बड़ी बड़ी जगहों पर यूज की जाती है, ब्रिंगराज हो गया, ओरेगानो हो गया, पार्सले हो गया, रोजमेरी है, इलायची है, इस तरह के कपूर के प्लांट। कपूर ओरिजिनल नहीं मिलता, कपूर का पत्ता इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहेंगे। और ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं इसको हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते। अब देखिए पत्तों से खाद बनाते हैं, जैसे पतझड़ आ गया तो इस टाइम लोग आग लगा देते हैं लोग बाग उनको खत्म करने के लिए, लेकिन हम उनसे ही खाद बना रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इतने हेल्दी प्लांट, ये देखिए एक पौधा है, ये इसको यकीन नहीं होता किसी को, कहता है एक पौधे में इतने फूल कैसे आ सकते हैं जी। 8 इंची का गमला और सिंगल पौधा है आपको। तो ये हमने पत्तों की खाद डाली है। अब जंगलों में आप जाते हैं इतने हरे भरे पेड़ पौधे हैं, उनमें कौन खाद डाल के आता है, दवाई डाल के आता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते गिरते हैं बरसातों में, वो सड़ते हैं और उन्हीं का पानी खाद लगता है। तो इस तरह से आप अपने घर में भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक उगा के खा के स्वस्थ रह सकते हैं। अगर कोई किसान भाई या दर्शक भाई आपसे मतलब फ्रूट के वगैरह के पौधे मंगाना चाहे तो आप कुरियर भी करवा देते हो? कुरियर पूरे ऑल ओवर इंडिया जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया करवा, ऑल ओवर इंडिया। तो आप अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर हमारे किसान भाई को बताओ। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे ऑर्डर करने के लिए 9996928517। तो अपने मेन ब्रांच कहाँ पे, अपनी नर्सरी कहाँ पे? हमारी नर्सरी जी ITI चौक पे बिजली बोर्ड के पीछे बसंत विहार है, उसमें गली नंबर 18 नियर काली माता मंदिर करनाल में। हाँ जी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई और भाई इस तरह के फ्रूट वगैरह के कोई पौधे वगैरह लेना चाहो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सभी दर्शक भाई को नमस्कार। जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को थोड़ी सी लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ताकि मोटिवेशन बंदे का बना रहे और आपके लिए हम भी अगली बार और एक अच्छी वीडियो लेकर आ सकते हैं। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने।